लगता है ना कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो आपने उसको हल करने की कोशिश करनी परफेक्ट पेपर बना के जब भेजेंगे तो फिर अच्छे जनरल में पेपर पब्लिश होगा। अच्छा फिर आपका प्रमोटर रीजन ऑफ द सीआरपी लाइक डी एस रिलेटेड सिक्स रेगुलेटरी नेशनल बार बार आल्सो इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है सर, जो ये एक सवाल था सर, जो नंबर ऑफ एक्सॉन्स थे वो कोई कोई के सिमिलर थे और कोई के नहीं सिमिलर थे, मतलब सारों के नहीं सिमिलर थे, सारे जीन्स के उनके वो कोरिस्पोंडिंग अरबिडोप्सिस एनपीआर के साथ सिमिलर नहीं थे। अच्छा वो मैं अभी देख लेता हूँ, ये नहीं, वो किधर है डाटा आपका? सर इसी में ऐड किया था मैंने। ठीक है ये रहा सर, ये देखिए ये ग्रेट डाटा आपका। अच्छा आपने सीडीएस भी लिया था उसका, पेप्टाइड भी लिया था, ग्रेट, बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह आपने। अच्छा अब इसके मुताबिक आपका ये नजर आ रहा है कि 18 जो एनपीआर 5 और 6 है ना, जैसे 80 एनपीआर 1 2 और सीआर एनपीआर 1 के सिमिलर नंबर ऑफ एक्सॉन्स हैं, और सीआर एनपीआर 2 और अरबिडोप्सिस एनपीआर 3 और 4 के सिमिलर नंबर है। हाँ लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर तो 6 है ना, इसके अंदर अरबिडोप्सिस के अंदर, लेकिन आपको 7 मिले हैं। जी सर, अच्छा इसमें हम ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो अरबिडोप्सिस है उनके अंदर जो है ना, दे हैव लेस नंबर ऑफ इंट्रॉन बट इन अवर डाटा दे हैव मोर नंबर ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ आ गई आपकी, क्योंकि डाटा के अंदर ना ज्यादा इंट्रॉन है, ठीक है, जबकि जो आपका जो अरबिडोप्सिस है दे हैव अच्छा एंड और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके डाटा के अंदर कि आपके अंदर जो लेंथ ऑफ इंट्रॉन इज आल्सो इन सम जीन दे है ग्रेटर देन द वो। ये जो कहानी है ना आपने ये लिखते जाए पॉइंट, तो एक ही पॉइंट आपका ये लिखने की अच्छी इंग्लिश बना के, ठीक है, आपकी जो लेंथ ऑफ इंट्रॉन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अरबिडोप्सिस, ठीक हो गया। तो ये कहानी जितने ज्यादा ये पॉइंट्स है ना ये आपने डिस्कशन के अंदर लिखने, रिजल्ट्स और डिस्कशन के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि आपने कंपैरिजन कैसे करना है, इस तरह की जो चीजें आपको यूनिक लग रही है वो। अच्छा आप ये करें कि आप किसी के अंदर इंट्रॉन ज्यादा आते हैं, अब ये उसकी रीजन क्लास करें व्हाई देयर आर मोर नंबर ऑफ इंट्रॉन इन सम जीन, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है कि अगर एक जीन फैमिली है उसके रैपिडोप्सिस के अंदर इंट्रॉन कम है और इसके अंदर ज्यादा है, तो एवोल्यूशनली इसकी रीजन क्या हो सकती है? जी सर, इसको भी तलाश करें। मेरी बात की समझ आ रही है? इंटरनेट पे पढ़े, अपना डाटा अपग्रेड करें कि ये ऐसा किस सूरत में होता है कि किसी जीन के अंदर इंट्रॉन का ज्यादा आ जाना। मेरी बात की समझ आ गई है? ठीक है ना, आ गई है। अच्छा इन अदर केस, आपके इस जीन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं सीक्वेंस के अंदर? अच्छा आपने इसकी सीक्वेंस सिमिलरिटी इंडेक्स देखा है? नहीं सर। अच्छा आप ना मुझे एक अरबिडोप्सिस की और ये जो प्रोटीन दोनों की है ना आपकी, आपने इकट्ठी की होगी ये? यस सर। फाइल बनाई होगी वो मुझे भेजो। ओके सर। सर कौन सी प्रोटीन की या सीडीएस है जीनोमिक? सिर्फ प्रोटीन की।
प्रोटीन की आपके पास सिक्वर्टर है सिक्वर्टर नहीं सर ये मैं आपको भेज देता हूं ये आपने ये सिक्वर्टर क्या करता है कि ये ना उसकी चेंज कर देता है सीक्वेंस फाइल को अच्छा इसमें ना मुझे ये करना पड़ेगा मुझे लगता है कि
अच्छा ये खत्म कर दें फिलहाल। ये जो है ना बीओपी, इसके साथ अंडरस्कोर डाल दें। कंट्रोल एस, ठीक हो गया। अब आपने सिक्वेंटर को यूज करना है। हमने जिस सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये फाइल खोलनी है ना, वहां पर फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलता, वहां पर ना एमएसएफ फॉरवर्ड चलता है। तो हम इसलिए इसको मर्ज करके इसको एक नए फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे हम एमएसएफ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम फिलहाल आपका जो है ठीक है, अब हमने मैग अलाइन में जाना। मैग अलाइन, ये आपके पास डीएनए स्टार होगा, डीएनए स्टार वो भी नहीं है। अच्छा वो मैं भेज देता हूँ। मेरे ख्याल से हमने भेजा था लेकिन उसपे कुछ इंस्टॉल किया होगा आपने। मैं दोबारा भेजता था, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके सर। यहाँ मैं सब कर दिया। अब ये देखिए, अब हमने ना इसका अलाइनमेंट करनी है क्लस्टर डब्ल्यू मेथड से। अब ये अलाइनमेंट हो गई। अब आपने इसका सीक्वेंस डिस्टेंस ब्रोक करना। अच्छा ये हमें कहेगा कि कौन सी प्रोटीन किसके साथ ज्यादा मिलती है। हम किसी भी ये खाना है ना, इसका मतलब ये है कि अरेबिडोप्सिस थलियाना की NPR2 और सिट्रस रेटिकुलेटा की NPR3 के दरमियान में 31.1% होमोलॉजी है। ठीक हो गया जी सर। होमोलॉजी का मतलब है सिंगुलर है, सिंगुलर सीक्वेंस है इनके अंदर। अच्छा और ये जो है आपस में 44.1। अच्छा हाईएस्ट जो सिमिलरिटी है वो ये है NPR5 और 6 के दरमियान में। ठीक हो गया, हाईएस्ट होमोलॉजी यही है। और ये 65.4 ये किसकी है, NPR3 और ठीक है NPR5। अब इसके अंदर जो आपका मुझे जो डिफरेंट लग रहा था, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंट्रॉन है, वो वाली सीक्वेंस कौन सी है, NPR5 ही है ना वो जी सर, वो NPR5 और 6। ठीक है, इट मींस कोई इशू नहीं है। अच्छा आपने ये टेबल भी ऐड कर देना इसके अंदर, आप इसका ना इसको कॉपी करना आपने, ठीक है। इसको कॉपी करके आपने एक्सेल की फाइल में जाना है। कहाँ जाना है, एक्सेल सर। ये वो सिमिलर है के ओ के ए और के एक्स से, क्योंकि उसमें भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इस तरह का ही टेबल बनता है। नहीं वो और है, ये और है, उसके अंदर हम के ए और के एस वैल्यू मूव करते हैं, इसके अंदर हम ओवरऑल सिमिलरिटी मूव करते हैं
between the two sequences, between different sequences. Okay, इधर हम add कर देते हैं एक्सल एक्सल ये ठीक है. ये है प्रोटीन सीक्वेंस टेक्नोलॉजी NPR ठीक है. इसको जब हम क्लिक करेंगे अब आपने इसको पेस्ट कर देना. अच्छा ये जो है ना ये बता रहा है सीक्वेंस होमोलॉजी ऊपर ये है डाइवर्जेंस जो नीचे वाला ये डाइवर्जेंस ये नहीं हमने लेनी. हमने ये नीचे वाला सारा डिलीट कर देना. बल्कि ये भी साथ में मेरी बात की समझ आ रही है आपको. जी सर. अच्छा अब इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंसर है ना ये यहां पर वो हमने वो ये मुझे लगता कॉपी करके जो पेस्ट करते थे ये मुझे लगता है नहीं ठीक हो गया. अच्छा अब हमने क्या करना है कि पेयर वाइज इसका जो टाइटल होगा ना इस टेबल का पेयर वाइज सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ एनपीआर प्रोटीन ठीक है. इस तरह का हम इसका टाइटल लिख देंगे पेयर वाइज सीक्वेंस होमोलॉजी पेयर वाइज सीक्वेंस पेयर वाइज सीक्वेंस होमोलॉजी कंपैरिजन बिटवीन सिट्रस रेटिकुलेटा एंड अरेबिडोप्सिस ठीक है. जी सर. सिमिलैरिटी परसेंट सिमिलैरिटी पेयर या सीक्वेंस होमोलॉजी परसेंट सीक्वेंस परसेंट सिमिलैरिटी इसको हाँ यही सही है. इसको क्या लिखे परसेंट सिमिलैरिटी परसेंट सीक्वेंस सिमिलैरिटी परसेंट सीक्वेंस होमोलॉजी ठीक हो गया. होमोलॉजी वही चीज होती. अच्छा ये हो गया फिगर जो जो भी है टेबल है इसको टेबल बना ले यार ठीक है. अब ये भी हमें रिपीट क्या करती है कि ये टेबल भी आपने इसके मुताबिक ये हमें क्या रिवील करता है कि कौन सी जो हमारी है ना जो हमारी सीपी एनपीआर वन जो है वो अरेबिडोप्सिस की किसके साथ आई है सोमोलॉजी इसकी अगर हम इधर देखते जाएं. अच्छा इसकी हाईएस्ट सोमोलॉजी ये है किसके साथ एनपीआर थ्री के साथ
कि ये इसके साथ ही, लेकिन एनपीआर वन और एनपीआर टू दे हैव द हाईएस्ट सीक्वेंस होमोलॉजी विद, ये जो दोनों है ये किसके साथ हाईएस्ट होमोलॉजी है इसकी, ये देखिए अब ये 40 एनपीआर थ्री के साथ, ये लिखते जाना आपने अपने ना, जो जो आपकी एनपीआर वन और एनपीआर टू है सिट्रस की, दे हैव हाईएस्ट होमोलॉजी विद अरेबिडोप्सिस एंड एटी एनपीआर थ्री। नहीं लेकिन एनपीआर वन की तो आगे 53 भी आ रही है। हाँ हाँ ये भी आ रही है, ये हाँ इट मींस हाईएस्ट ये 53 भी आ रही है, सही है, एनपीआर वन के साथ हाईएस्ट होमोलॉजी, यस ये लिखते आपने ये लिख देना ठीक है। सिमिलरली और इसकी जो है आपका एनपीआर टू है उसकी हाईएस्ट होमोलॉजी मिल रही है सही, उनकी अमंग कौन से ज्यादा सिमिलर है ये भी लिखना आपने एक स्टेटमेंट, दी सीक्वेंसेस अमंग सिट्रस रेटिकुलेटा आर मोर सिमिलर विद ईच अदर एंड दी सीक्वेंसेस आर of NPR has highest sequence homology with this protein in Arabidopsis. ये एक पैराग्राफ आपने इस तरह का भी लिखना है, मेरी बात की समझ समझ आ रही है ना आपको क्या कर? तो इस तरह एक फिक्रा भी हमने एक ऐड कर देना है, ठीक हो गया। ये कैसे लिखना है थोड़ा सा जो मेरे पास लिखा पड़ा है वो भी आपको भेज देता हूँ। अच्छा मेरे पास मैंने एक मिनट वो मैं देखता हूँ मेरे पास लिखा, मैंने एक दिन लिखा था, कहाँ लिखा था वो, एक मिनट इधर डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन, अच्छा और यहाँ पर मैंने ना अक्सर जो है ना चीजें ये लिखी है, ये देखो मटेरियल मेथड परसेंटेज अमीनो एसिड, ये देखो परसेंटेज सीक्वेंस मॉडल विल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मेंडेलाइन प्रोग्राम ऑफ द नेजर जीन सॉफ्टवेयर, ये ये आपने लिख देना है आपका कौन सा जीन है वो आपने इधर लिख देना, आपका जीन जो भी है एनपीआर आर एनपीआर जीन्स, ठीक हो गया। अच्छा और फिर इसको लिखना कैसे है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर, फिर आपने ये दिखा इस तरह का जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक हो गया बच्चे जी सर, इस ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने परसेंटेज का बड़ी बिटा मेटेक्टर माने सीक्वेंस ऑफ पाया एनपीआर 1 की होमोलॉग्स एंड एनपीआर रेंज फ्रॉम, आपने रेंज लिख दी कितने से कितने परसेंट है, ठीक हो गया मेरी बात समझा, मेरे नंबर ये एनपीआर का ही लिखा हुआ है, ये एनपीआर के किसी पेपर से ही मैंने ये लिया था। ओके सर ठीक है मैं इसको लिख लेती हूँ, ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ ठीक है। तो दैट मे ऐड समथिंग इनटू योर डाटा, ठीक है सर, वो सॉफ्टवेयर भी भेज देंगे कि मैं वो मैं भेज देता हूँ, ताकि वो सीख भी जाए आप ये आज आप करके भेजिए ना फाइनल, ताकि मैं कल तक ये हमारा पेपर फाइनल हो जाए, फिर मैं आपको ना किसी और टॉपिक के ऊपर फिर पेपर लिखने के लिए कहता हूँ, ठीक है सर। वो उसके अंदर ना हमको ऐसा टॉपिक ढूंढेंगे जिसके अंदर ना हम कोई यूनिक हो और वो बड़े अच्छे जनरल में पेपर, अभी तो ये हमने ज्यादा पहला हमारा एफर्ट है, लेकिन इंशाल्लाह लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ना इसको हम जरा और अच्छा करके लिख के लिखने की कोशिश करेंगे, ये भी हमारा इंशाल्लाह तो आगाज है ना इंशाल्लाह, आप देखते हैं इंशाल्लाह आगे हमारी ना बहुत आगे जाना हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सही तो अभी स्टार्ट था ना, तो मतलब पहला एक्सपीरियंस था, इतना कुछ पता भी नहीं था इस की राइटिंग के बारे में, नहीं नहीं आपने फिर भी बहुत अच्छा लिखा ठीक है। अच्छा mRNA वाला कैसा लिखा आपने, ये मैं mRNA का भी लिख भेजा आपको कुछ ना, ये प्रेजेंटेशन टाइप ना, अच्छा ये mRNA का पता है आपको क्या होते हैं, माइक्रो फंक्शंस क्या है, इनके टारगेट्स हैं,
यू ऑब्टेन माइक्रो आरएसिकल अपलैंड कॉटन मेरे बेस डाटा, आपने कहाँ से डाउनलोड किया वो आपको पता होना चाहिए, सीडीएस ये रिजल्ट्स आपने कैसे या तो इन्वेस्टिगेट हो माइक्रो आरए इंटरेक्ट विद आरएसिकल और प्रेडिक्ट द टारगेट साइज, ये इस तरह आपने लिखना है इसको, आपने ऐसे लिखा नहीं सर। अच्छा अगर आप ये जो आपका है ना आपने वो बनाया हुआ है ये ना आप एक वो सीडीएस और उसकी सीक्वेंस को मिला के ना क्या नाम है उसका दूसरा आपने जीनोमिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले के अंदर जाके एक तो आपने बनाया ना इसके अंदर फाइलोजेनिक ट्री ऐड कर दिया। अब आपने ना सिर्फ एनपीआर सीक्वेंस जो है ना हमारी इसकी सिंथेसिस एंड एनालिसिस की हेलो क्या चुप हो जाओ आप जी सर। अब आपने क्या करना है एक ना ये जो आपने बड़ा अच्छा टेबल बनाया हुआ था ये वाला ठीक है, अब आपने इसके अंदर रैपिड ऑक्सीजन की सीक्वेंस नहीं ऐड करनी ठीक है सर, उसके बगैर अकेला आपने और उसके साथ चाहे ये भी ना ऐड करें ट्री ऐड कर दें अगर ऐड करना तो कर दे नहीं तो ना ना इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। अच्छा ये अकेला ये इस तरह का बना के फिर आपने इसके ऊपर ना आपने ये रेड के साथ जो माइक्रो आरएनए टारगेट साइज है ना वो आपने मार्क करनी है। वो कहां से मार्क होंगी सर? अब आपने ये वो बता देगा ना कि आपका कहां से किस सीक्वेंस से किस सीक्वेंस तक आपकी ना टारगेट हो रही है एमआईआरएनए, तो बस वहां आपने सिर्फ लिख देना यहाँ पर ये रेड आप इसको चाहे उधर जाके पावर पॉइंट के अंदर या किसी कोरल ड्रा आता है आपको से कहा कोरल ड्रा आता है आपको कोरल ड्रा नो सर। अच्छा नहीं तो देख लूंगी सर मैं इसको। अच्छा इसके अंदर ना आपने फर्क यहाँ से टारगेट हो रहा है ना वहां आपने इसको मार्क कर देना बस कि आपने बताया है कि आपके पेपर के अंदर आपने बताया है कि आपका वो जो है ना माइक्रो आरएनए इन द एनालिसिस 7 माइक्रो आरएनए आर आइडेंटिफाइड व्हिच आर रिलेटेड टू 6 एनपीआर। अच्छा अब आपने इसको ना डिटेल नहीं कुछ अच्छा अवर ऑल एक्सेप्ट एसी हैड माइक्रो आरएनए इसके अंदर माइक्रो आरएनए we didn't find any microRNA for microRNA all except C has microRNA अच्छा CRNPR1 microRNA site for is not identified yeah we did not identify not find any target miRNA target miRNA targets for CPNPR2 ठीक हो गया each of the CRNPR1 line sequences with identified mRNA had at least one base sequence while CRNPR4 has 4 microRNA sequences matched in its sequences. अच्छा ये आपने कौन सा डाटा लिया था कहाँ से डाटा लिया था? The Geo से। अच्छा Geo से लिया था। अच्छा आपने इसको लिखा है material method में? जी सर। अच्छा microRNA dataset was obtained by DSK in an experiment related to detection of exome-like nanoparticle drive microRNA. This experiment was to study the highly expressed gene in epiphytic plant-derived exome-like nanoparticles. It was noted that many possible regulate human mRNA in a cross-kingdom manner.
target prediction function also showed that a highly expressed microRNA are closely linked with cancer-related pathways and inflammatory response. अच्छा अच्छा आपने ये कहाँ से लिए हैं? ये जो है आपने ये जो उन्होंने प्लांट्स का कौन सा पार्ट लिया है? सर ये नहीं बताया था सर, ऑरेंज फ्रूट लिखा हुआ था। इट मींस ऑरेंज फ्रूट है, ठीक है, ऑरेंज फ्रूट लिया है, ठीक है। This experiment attempted to study the elements of microRNA. It was found that possibly regulate human mRNA crosslinking in a manner. Target prediction function also showed that the highly expressed miRNA was closely linked with cancer-related pathways and inflammatory response. And that microRNA may be a issue in. इसको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके लिए मैं आपको ना एक बताता हूँ कि आपने कैसे लिखना है इसको, कैसे लिखना है, एक मिनट। इसमें अगर अच्छा इस पेपर के अंदर आपने कैसे लिखा हुआ है, अच्छा ये हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसमें लिख देना है फ्रॉम द वी ऑब्टेन्ड माइक्रो आरए सीक्वेंस ऑफ सिट्रस रेटिकुलेटा from geo actually and publish articles, ठीक है। अच्छा CAT आपने NPR gene Target by were predicted by searching against the CDS region of the complement using the server with default parameters. We selected a target site with the highly degree of sequence complementary shown in figure. जो भी आपकी figure है, अच्छा इतनी detail बच्चे देने की जरूरत नहीं है। Hello. Okay sir. जी sir. ये इतनी detail, अच्छा ये ले देंगे कौन सा पार्ट लिया है इन्होंने, विच प्लांट पार्ट को इसके अंदर लिख दें, तो मैं प्लांट पार्ट का कंफर्म करके फिर लिख दूंगी इसमें, क्योंकि ये इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना फिर बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है टॉपिक और ये ह्यूमन की तरफ चला जाता है, हमारा काम ह्यूमन पे नहीं है, ठीक है। तो हमने जीओ एक्सेशन नंबर ये लिखने हैं उसके अंदर, अगर जीओ अच्छा जीओ मार्क होनी है फिर, अच्छा इसे इधर ये लिख दे कि इधर एक्सेशन नंबर, ठीक है। पब्लिश आर्टिकल्स क्या आपको किसी और जगह से भी मिले हैं टारगेट साइट्स? सिर्फ एक के अंदर ही है या और इससे ज्यादा जगह से भी आपको मिले हैं MIRNA टारगेट साइट्स? सर मैंने सिर्फ इधर से ही लिए थे और मैंने कहीं ढूंढे नहीं, सिर्फ एक और एक दो और जो वेबसाइट थी उस पे सिट्रस रेटिकुलेटा था नहीं। मैं देखूं अगर आप सिट्रस
रेटी को लेटा एक्सप्रेशन डेटा ऑफ स्टे ग्रीन म्यूटेड ऑफ ये इससे ही आपको मिला डेटा बच्चे इससे नहीं मिला था कुछ नहीं सर वजह क्या बनी थी सर क्योंकि इधर तो ऑर्गेनिज्म सिट्रस एटिकुलेटा लिखा हुआ है लेकिन जो वो जीन्स थे वो सिट्रस साइनेंसेस वाले थे ये तो हम यूज कर सकते थे बच्चे सर तो मैं इसको कर लेती हूँ ये वो ये वाला हम एक्सप्रेशन के अंदर जी एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर रेटिकुलेटा यूज किया हुआ है ना ये कर सकते हैं सर फिर वो होमोलॉजी फाइंड करके फिर इसको यूज कर वो होमोलॉजी फाइंड करके ना जैसे आपने उसके लिए की है अब ये देखो ना इसके अंदर हाँ वो देखो ना ये है इसकी होमोलॉजी हम मालूम कर सकते हैं और ये सारा बताया हुआ है पीकेएम स्टेटस दिया हुआ है सारा इसको कंट्रोल ए कॉपी अगर ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ठीक है ये तो आप कर लेंगे इसका अंदाजा है अच्छा एक तो ये हो गया ये नैनो पार्टिकल हो गया ये आपने कर ली है comparative status polyprani transcriptome lysin and induction to new cellular embryony अच्छा जी ये डेटा क्या कहते हैं हमें विरकी भी डिफेंस रिलेटेड जीन की है अगर विरकी अपरेगुलेट हो रहे हैं तो इट मींस सेलिसेगेशन अच्छा जीनोम वाइड स्केल एमआरएनए एंड स्मॉल आरएनए टास्क इन द इनिशिएशन ऑफ सिट्रस एपोमिक्सिस ये मेंड्रन ये देखो इसका भी दिया हुआ बच्चे ये मेंड्रन ही कहते हैं इसको सिट्रस रेटिकुलेटा को जी एक्सप्रेशन का डाटा भी दिया हुआ है इन्होंने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इतना ज्यादा ये कर लेंगे ना तो अच्छा है जी सर कोई मसला नहीं मैं खुद देखूंगी देखो मेंड्रन का मतलब वही होता है कि मेंड्रन ये रेटिकुलेटर को कहते हैं ये एक्सप्रेशन ही दिया हुआ ये देखो एपीकेएम मेरी हुई है जी सारी ठीक है ये लोकस देख लें कि आप ये कौन सा लोकस है और आपका कौन सा लोकस है ये कहां से लिया गया है ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो तीन चार पांच जगह से जब डाटा होगा ना तो आपका ना वो बड़ा अच्छा पेपर में अच्छे जर्नल में चला जाएगा जी सर तो और क्या है सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस यूटिलाइज सीडीएस एंड the basics of the analysis to further study the potential function of CPR diagnostic structure was sometimes similar to a sometime wala nahi chakkar ye lafz bhi acha sometime change this word sometime nahi hota exact wo aapne likhna hota data science ke andar ये नहीं होता है एक्सरसाइज होती है जो सम टाइम का मतलब होता है कॉमन सेंस अच्छा ऐसा हुआ होगा कि अगर हम कहते हैं कि लाहौर शहर की आबादी 15 से 20 लाख के दरमियान हो सकती है ये कॉमन सेंस है अगर 15,07,695 आबादी है तो ये साइंस है मेरी बात की समझ आ गई तो हमें एग्जैक्ट नंबर देने होते हैं साइंस के अंदर ये आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक हो गया और अच्छा सिस रेगुलेटरी एनालिसिस के अंदर आपको कौन से मिले हैं
ज्यादा था, कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइन मिली है इसमें? ठीक है, ये आपने सही लिखा हुआ मिली नहीं सर, मुझे प्रोमोटर सीक्वेंसेस सिर्फ चार सीक्वेंसेस के ही मिले थे, उनमें से भी सिर्फ एक के अंदर ही थी। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चार कौन कौन से सीक्वेंसेस के मिले थे आपको? एनपीआर 1, 2, 8 ओनली 3 के मिले आपको, ठीक है। उनमें से भी आप समझे कि जो CRNPR 1 है ना, उनके अंदर ही थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अजमेर को हमारा सिर्फ रेगुलेटरी एनालिसिस को इतना अच्छा नहीं हुआ, तो बाद जो एस्टिमेटेड अमाउंट है ना डुप्लीकेशन, ठीक हो गया, नॉन सिनोनिमस और ये वो सारी की सारी। अच्छा, एक्सप्रेशन एनालिसिस भी हो गया, उसके बाद फिर डिस्कशन हो गई। अब डिस्कशन के अंदर हमने अपने डाटे को ना दूसरी स्पीसीज के साथ कंपैरिजन में लिखना होता है कि हमारा जो डाटा आया है उसको हमने कंपेयर करना है विद अदर जीन्स, दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम सम अदर्स। ये सैटिवा एस छोटा आना है इधर, और ये खत्म करना है। ठीक हो गया, ये कंपैरिजन करना है कि आपका एक एक जीन दूसरों के जो दूसरों के अंदर इस तरह के मिलते जुलते जीन है, दूसरों के अंदर आपका जो जीन है दूसरों से कैसे डिफरेंट है। ये चीजें आपने ना इसको डिटेल से स्टडी करना है, क्योंकि फंक्शनल डाइवर्जेंस ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इज अ प्लांट यूजुअली अफेक्टेड बाय टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन एंड डेमोंस्ट्रेट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन इन लीफ रूट्स इन, ठीक है, दिस जस्ट दैट मे पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिंग द सीड फ्रॉम प्लांट पैथोजन like gene expression was examined। ठीक है बच्चे, ये ना आपको जो अभी हमने को एडिट किया है इसको आप जो मैं अभी चीजें आपको दिख रही है वो करें, तो बाकी इंशाल्लाह इसको करके तो फिर कल फिर दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन कर। ओके सर, अल्लाह ये मैं आपको ये मैं भेज देता हूँ डेटा जो हुआ है। वैसे वो सीक्वेंस वर्टे और मेगलाइन की भी सॉफ्टवेयर वो भी भेज देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।